गोल्डस्मिथ क्या बोलता है कि वो जो रिच मैन था, जो रिच मर्चेंट था, उनके घर किसी की शादी थी, तो वो वेट बिल्कुल नहीं करनी थी उन्होंने, क्योंकि उनके वहाँ शादी थी। तो वो बोलता किंग को कि आपको पता है जो रिच लोग होते हैं वो कितने इंपेशेंट होते हैं, तो इसलिए मैं उस रिच मर्चेंट का, मेरे को काम फिनिश करना था, इसलिए इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी जो है वो बन नहीं पा रही थी, और इसको मेरे को वापस बार बार चक्कर लगवाने पड़े। तो इसलिए ये जब वापस इधर उधर आती थी, तो कभी अपने घर जाती थी, कभी मेरी दुकान पे आती थी, तो इससे जो ब्रिक लेयर है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वॉल जो है वो ख़राब बन गई, और वो जो इनोसेंट मैन है, वो बर्गलर जो है, वो गिर गए, उसके ऊपर वॉल गिर गई और वो मर गया। तो वो क्या बोलता है कि किंग बोलता है कि तुम उसका नाम बताओ, उस रिच मर्चेंट का जिसके यहाँ शादी थी। तो वो रिच मर्चेंट कौन निकलता है, वही इंसान जिसके घर की वो दीवार होती है, मतलब उस मैन का फादर। तो जो वो लड़का होता है जो अब उस घर में रह रहा होता है, वो उसके फादर की वो बात कर रहे होते हैं उस मर्चेंट की, वो रिच मर्चेंट कौन था, उसका फादर। तो किंग जो है उसको पता लगता है कि वो उस रिच मर्चेंट का घर है, तो फिर से वो क्या बोलता है कि जाओ जाके उस लड़के को लेके आओ जिसका वो पिता है। तो वो रोता रोता आता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं भी कसूर। तो वो लड़का क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, वो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी जो है ऑर्डर की थी, तो अब वो मर चुके हैं, तो अब मैं क्या है बिल्कुल कसूर, मेरा बिल्कुल भी कसूर कोई नहीं है। तो किंग जो था वो फूल था, उसके मिनिस्टर्स भी फूल थे, तो उन्होंने क्या है आपस में कंसल्ट किया, वो बोलते हैं कि चलो ट्रू है कि तुम्हारा फादर जो है वो मर चुका है, लेकिन वही मर्डरर था, ठीक है, तो उसकी जगह किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो वो क्या बोलते हैं उसको कि तुमने सब चीज़ें जो है इनहेरिट की हैं अपने फादर की। तो वो क्या बोलते हैं कि चाहे वो मर चुका है लेकिन वही मर्डरर था, उसको पनिशमेंट, तो उसकी जगह पे किसी ना किसी को पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। वो उसको क्या बोलते हैं, तुमने अपने फादर की सारी चीज़ें इनहेरिट की हैं, जैसे घर वगैरह, तो ये जो क्राइम था तुम्हारे फादर का, ये भी तुम्हें जो है इनहेरिटेड तुम्हें एक मतलब मिल गया, तो जो उसके सारे पाप थे वो सब अब तुम जो है भरोगे। आई न्यू इट वंस, हाँ, तो किंग उसको क्या बोलता, मुझे तो तुम्हें पहले देख के पता चल गया था कितना हॉरिबल क्राइम जो है वो तुमने ही किया है, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एज ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, अभी उसने जो न्यू जो है स्टेक, क्या होता बच्चे, एक जैसे आप मानो इस तरह से ना एक कुछ बहुत तीखी सी, चाकू नहीं हम बोल सकते, कुछ तीखा सा होता है, और इसमें क्या करते हैं इंसान को ना इस तरह से ऐसे बीच में इसको खबो देते हैं, जिसको बोलते हैं ना बीच में पियर्स कर देते हैं, तो वो इंसान जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो स्टेक क्या होता है, इस तरह से कुछ तीखा सा होता है बड़ा सा, जो इंसान के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है, तो ताकि वो मर जाए। तो ये एक क्या था, एक अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट थी फॉर ऑल द क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे क्या है, वो बोलता है कि नया स्टेक बनाया जाए और बिल्कुल शार्पन्ड स्टेक हो। इम्पेलिंग, इम्पेलिंग क्या होता है, जब ह्यूमन बॉडी को इंसर्ट करने के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी को इसमें इस तरह से घुसाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को मारने के लिए जो है फाइनल एग्जीक्यूशन करते हैं, फाइनल जो स्टेप होता है इम्पेलिंग उसको बोलते हैं। तो क्या है, अब उसकी सारी तैयारी हो जाती है, स्टेक भी बन जाता है नया। तो क्या होता है, उसी टाइम कोई बोलता है कि ये जो मर्चेंट है ना, ये जो वो लड़का है रिच मर्चेंट का, वो बेटा वो भी रिच मर्चेंट ही हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा पतला है, तो स्टेक जो है उसके ऊपर प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे हम, अच्छे से वो स्टेक के अंदर नहीं जा पाएगा इंसान, वो रिच मर्चेंट। तो वो किंग से क्या अपील करता है कि ये जो है एग्जीक्यूशन को अभी रोका जाए और इसके बारे में सोचा जाए। तो किंग बहुत वरीड हो जाता है, तो वो बोलता है कि अब हम क्या करें। तो सडनली वो सोचता है कि एक मोटा सा इंसान ढूंढा जाए, ठीक है, तो सडनली वो क्या सोचता है, एक मोटा सा इंसान ढूंढा जाए जो कि इस स्टेक में, इस शार्प स्टेक में पूरा फिट आ जाए, ठीक है, फुलिश है ना वो, तो इसलिए उनके फुलिश डिसीजंस हैं। तो सर्वेंट क्या है, ढूंढने लग जाते हैं टाउन में, तो वो मोटा कौन है, आपने सबसे पहले देखा ना इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, वो जो सेंट, वो उसके साथ जो डिसाइपल आया था उसका, तो वो खा खा कर मोटा हो गया, अभी वो मोटा इंसान इनको मिल गया।
तो उसकी आइज़ जो है उस डिसाइपल के ऊपर गई, इसके सर्वेंट की, तो जिसने अपने आप को बहुत सारे चीप बनानास, राइस, वीट और घी खा के खुद को फैट किया था। तो अभी उसको ले आते हैं, तो अभी उसको कोर्ट में ले आते हैं, तो वो बेचारा कहता है मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैंने क्या किया। तो वो रोने लग जाता है, तो किंग बोलता है कि हो सकता है ये बात ट्रू हो, ये बात है भी ट्रू है कि तुम इनोसेंट हो, बट ये रॉयल डिक्री मतलब डिसीजन, डिक्रीज डिसीजन है कि जो फैट इंसान है जो इस स्टेक में फिट आ जाए उसको ढूंढा जाए और एग्जीक्यूट किया जाए ये लॉ। तो उसको क्या है, अपने गुरुजी की बातें जो है वो याद आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसको गुरुजी ने बोला था ना कि ये सिटी फूल्स की है और यहाँ कोई पता नहीं कि तुम्हारे साथ आगे क्या हो जाए। तो जब उसकी डेथ हो रही थी इन द सेंस जब वो डेथ की वेट कर रहा था, जब उसको स्टेक के पास लेके जाने वाले थे वो लोग, तो वो प्रे करता अपने दिल में अपने गुरुजी के लिए और रोते हुए बोलता है उनको, गुरुजी को अपने दिल में ही कि आकर मुझे बचाओ। तो गुरुजी जो होते हैं उनके पास मैजिकल पावर्स होते हैं, वो सन्यासी थे, वो एक सेंट थे, संत थे, तो वो फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट देख सकते थे, पास्ट देख सकते थे। तो उन्होंने अपनी विजन से देख लिया और वो उसी टाइम वहाँ अराइव हो गए, वहाँ पहुँच गए, अपने डिसाइपल को उन्होंने बचा लिया, अपने शिष्य को बचा लिया। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और उसके कान में कुछ विस्पर किया, विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना, तो कुछ विस्पर किया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। और किंग को पूछने लग गए कि आप मेरे को बताओ, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, उस फूल किंग को बोलते हैं वाइज, ठीक है, उसको क्या बोलने लगे कि आप बहुत समझदार हो, समझदारों के राजा, आप बताओ कि जो गुरु है वो ज़्यादा बड़ा है कि डिसाइपल बड़ा है। वो कहते हैं नहीं, गुरु ही बड़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता सबसे पहले आप स्टेक मेरे अंदर घुसाओ, मेरी डिसाइपल की डेथ मेरे बाद करना। अभी इसके पीछे क्या रीज़न था देखते हैं हम। अभी जब डिसाइपल ने अपने गुरुजी की ये बात सुनी तो उसको सब समझ में आ गया, तो वो साथ में पीछे बोलना शुरू हो गया कि हाँ नहीं नहीं पहले मेरे को करो, मैं पहले आया था और मेरे बाद गुरुजी की को स्टेक के पास लेके जाना। गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वॉन्ट टू डाई, वी चूज हिम बिकॉज वी नीड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। तो गुरु और डिसाइपल्स जो हैं वो लड़ने लग गए आपस में। किंग जो है बहुत पजल हो गया, तो किंग गुरुजी से पूछते हैं कि तुम क्यों मरना चाहते हो, ये तो हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये फैट है और हमें स्टेक के लिए एक फैट इंसान चाहिए। तो गुरुजी उसको रिप्लाई करते हैं कि आप मेरे से इस तरह के क्वेश्चंस मत पूछो, मेरे को सीधा डेथ जो है वो दे दो, मेरे को स्टेक पे ले जाओ। व्हाई देयर आर सम मिस्ट्री देयर, एज वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो वो बोलता है किंग गुरु को कि इसमें कुछ ना कुछ रहस्य तो है, कुछ ना कुछ सस्पेंस तो है, तो मुझे समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। तो वो गुरुजी उसको बोलते हैं किंग को कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसके पीछे क्या रहस्य है, तो क्या तुम मुझे पक्का डेथ दे दोगे ना। तो किंग उनको बोलता हाँ मैं तुम्हें पक्के सॉलमन वर्ड्स, हाँ पक्का मैं, जैसे बोलते हैं प्रॉमिस करता हूँ, किंग का प्रॉमिस करता हूँ। तो गुरु जो हैं उनको साइड पे ले गए अपने सर्वेंट से दूर, तो उसको बोलते हैं कि जो स्टेक पे पहले मरेगा ना, देखो डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। किंग को बोलते हैं कि क्या आपको पता हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। वो कहते हैं हमने सारा वर्ल्ड घूम लिया लेकिन हमें कभी भी ऐसी सिटी और आप जैसा किंग नहीं मिला। दिस स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। वो कहते हैं ये जो स्टेक है ना, मैंने आपको स्टेक बताया ना, इस तरह से तीखी सी चीज़ जो घुसा देते हैं बॉडी में,